गाइस, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज मेरा पहला दिन है और मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ राजस्थानी गट्टे की सब्जी। ये देखिए, मैं राजस्थानी सब्जी के लिए जो मेरा सामान तैयार किया है वो है 2 बड़े प्याज, 4 टमाटर छोटे साइज में, 10-15 कलियां लहसुन के लिए मैंने, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4 मेरी हरी मिर्चें हैं। ये देखिए, मैं सब पीस के इसका एक मसाला तैयार करूंगी। और ये देखिए, ये मेरे सूखे मसाले हैं। इसमें मैंने लिया है अजवाइन 1 चम्मच, ये देखिए, ये है हींग, थोड़ा सा हींग लिया है मैंने, और ये है हमारा, ये देखिए, मेथी दाना, इससे गैस नहीं बनती है। ये देखिए, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच धनिया का लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये हमारे कुछ सूखे मसाले हैं, 2 मैंने तेज पत्ता लिया है, 1 हमने बड़ी इलायची ली है जिसमें 10 से 15 दाने मैंने काली मिर्ची के लिए हैं, और 5 मैंने लौंग लिए हैं। ये देखिए, इसको हम ड्राई रोस्ट करके इसमें डालेंगे सब्जी में, इससे स्वाद इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने 1 बड़ा कटोरी बेसन का लिया है, इससे हम चार कटोरी सब्जी इससे तैयार होगी हमारी, 1 कटोरी बेसन से। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी, मैंने इसमें अजवाइन डाली है, ये देखिए, थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला है, ये इस तरीके से, हल्की सी मैंने लाल मिर्ची डाली है। ये देखिए गाइस, ये मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल किया। मैं ज्यादातर सब्जियों में सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें से मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल दिया है, देखिए, ये मैंने इस 1 गिलास पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इससे हम बेसन के आटे का एक थोड़ा कैड़ा सा डो बनाएंगे, जैसे पूरी का आटा होता है इस तरह का। ये देखिए गाइस, इस तरह से हमने एक बेसन के आटे का डो तैयार कर लिया है। अब इससे मैं 5-6 छोटी छोटी लोइयां बना लेती हूँ इस तरीके से, जिससे हमें इसको बेलने में आसानी होगी इस तरीके से। ये देखिए गाइस, ये इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए हैं इसके बेसन के। अब मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगाती जाऊंगी इस तरीके से, मैं बेलती हूँ, छोटी छोटी लोइयां बन, रोटी की तरह इसको बेल लीजिए, और ये इस पे हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको रोल कर लीजिए ऐसे, इसे पानी का हाथ लगा के इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैं रोटी रोल बना लेती हूँ। इस लोई की मैंने 6 रोल तैयार करे हैं। ये देखिए गाइस, मैंने पहले से ही गैस पे कढ़ाई चढ़ा के रख रखी थी, इस तरह के मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है। ये देखिए, जब ये पानी गर्म होने लगेगा तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल, ताकि ये गट्टे इसमें चिपके ना, और ये मैंने डाला इसमें थोड़ा सा नमक। अब मैं इसमें, ये देखिए, इसमें हल्का हल्का उबाल सा आने लग गया, पानी गर्म हो गया है, मैं इसमें एक एक करके अपने गट्टे धीरे से छोड़ती जाऊंगी, धीरे धीरे करिए, इसमें हाथ जलने का भी डर हो सकता है, धीरे से। इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगेगा।
ये देखिए गाइस, ये मैंने ढक दिए थे 10 मिनट के लिए। पहले मैंने 2-3 मिनट तेज आंच पे, ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक करके देखती हूँ, बिल्कुल साफ निकल रहा है मेरा आटा। अगर इसमें बेसन लगता है तो इसका मतलब ये कच्चा है, साफ निकल गया इसका मतलब ये पक चुका है। ये देखिए, अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, होने देंगे। गैस बंद कर दिया हमने, 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ये मैंने जो अभी उबाले थे गट्टे, इसका पानी मैंने निकाल के अलग कर लिया है। ये जब मैं सब्जी बनाऊंगी उसमें काम आएगा मेरे, ये बहुत पौष्टिक होता है। और अब हम इन गट्टों के छोटे छोटे पीस कर लेंगे, एक आधा इंच के इस तरीके सारे गट्टों के पीस कर लेंगे। अभी गर्म है बहुत, ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब मैं एक नॉनस्टिक पैन रख रही हूँ इन गट्टों को शैलो फ्राई करने के लिए। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला, ये देखिए, जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम दूसरे वाले चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे। ये देखिए, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ हमारा ये नॉनस्टिक पैन हमने गर्म करने रखा था, इसमें हम ये गट्टे फ्राई करने के लिए रखते हैं। तो दो जगह मैंने चूल्हे लगाए थे ताकि मेरा काम जल्दी आसानी से हो जाए। हल्के हाथ से चलाते रहेंगे जब तक ये गोल्डन गोल्डन से ना हो जाए। ध्यान रखिए इसको थोड़ा अलग अलग करते रहेंगे ताकि ये सूखे ना। ये देखिए, ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है, हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे ये तेज पत्ते, दो चुटकी भर हींग जो हमने ली थी, ये हमने डाली इसमें अजवाइन, मेथी दाना, जीरा। ये हमने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इस प्याज के साथ में हमने साबुत काली मिर्ची, बड़ी इलायची, लौंग, ये सब हमने इसके साथ ही पीस लिया था, इसलिए मसाले का अच्छी खुशबू आ जाती है। ये हमारा भून रहा है, जब तक हमारी प्याज भूनती है तब तक हम इस तरह देखते हैं ये हमारे फ्राई हुए या नहीं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा हल्का गोल्डन कलर सब तरफ से आ गया है। इसको हमें एकदम लाल नहीं करना, चार से पांच मिनट के लिए चला दीजिए। इससे इसका बेसन का गाढ़ापन नहीं आता करी में, ग्रेवी अच्छी बन गई। अब ये देखिए, मसाले की तरफ जाएंगे अब हम। नहीं रहती फिर, ये देखिए, ये हमारी प्याज भून चुकी है, ये तेल छोड़ने लग जाएगी, देखिए तेल छोड़ रही है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, इसकी आँच मंदी कर देंगे हम ताकि हमारे मसाले जले नहीं। सबसे पहले डालेंगे अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इसको साथ साथ ये धनिया पाउडर ताकि मसाले जले नहीं, और नमक है आपका स्वाद अनुसार। आधा नमक हम इसमें पहले भी डाल चुके थे गट्टे बनाते टाइम। ये हमारा गरम मसाला, इसको हम डालेंगे लास्ट में
जब हमारी सब्जी बच जाएगी। अब इसमें हमारे मसाले जले नहीं, इसके लिए हम डालते हैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले नहीं जले, और हम इसको भूनते रहेंगे 2 मिनट 2 या 3 मिनट में मसाला हमारा भुन जाएगा। ये देखिए, ये हमारे अब इस टाइप के हल्का सुनहरी कलर ले लेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपके हल्के सुनहरी सुनहरी हो जाएंगे, इसका मतलब आपके ये फ्राई हो चुके हैं। ये आप गैस बंद कर दीजिए। अब हम मसाले की तरफ जाते हैं। ये मसाला हमारा बन रहा है, ये हमारी प्याज बन गई है, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेप पे हम डालेंगे इसमें टमाटर। ये जो टमाटर हमने काट के रखे थे, ये देखिए इसकी हमने प्यूरी कर दी है, भूनेंगे आज हम अपनी मीडियम रखेंगे, इसको हम भूनेंगे 5 मिनट तक। ये तेल छोड़ने लग जाएगा। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, ये हमारा मसाला तेल छोड़ रहा है, ये मसाला हमारा भुन चुका है। देखिए ये मसाला हमारा तेल छोड़ रहा है, ये देखिए, इससे हमें पता चलता है हमारा टमाटर भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये गट्टे फ्राई करे थे, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट तक चलाएंगे ताकि इसके अंदर मसाला चला जाए अच्छे तरीके से। और ये जो हमारा पानी था जिसमें हमने गट्टे उबाले थे, ये पानी इसके अंदर हम डाल देंगे, इससे गट्टों का स्वाद और बढ़ जाएगा। आप इसको जितना पतला रखना चाहें या जितना गाढ़ा रखना चाहे अपने हिसाब से रखिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पतला करूँगी क्योंकि उबाल आने के बाद में गट्टे और गाढ़े हो जाएंगे। ये देखिए मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ इसके अलावा, और हम ढक्कन लगा के 10 मिनट तक पकाएंगे उबाल आने तक अच्छे से, और इसकी आँच हम मंदी कर देंगे। अभी इसके अंदर हमें 2 मिनट की कसर और नजर आ रही है, अभी हम इसे ढक के 2 मिनट और पकाएंगे। अब देखते हैं ये कैसी बनी है, 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अभी हमारी सब्जी तैयार है। ये देखिए अब इसमें हम डालते हैं पहले से रखा हुआ हमारा गरम मसाला, और ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भून के तैयार कर ली थी, ये डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। अब हम इसको सर्व करते हैं एक बाउल में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ये देखिए। अब इसको आप रोटी, चपाती, नान, चावल, पराठा, पूरी, जिस मर्जी से आप चाहें खा सकते हैं। ये हमने गैस बंद कर ली है, तैयार है के लिए, तैयार है। ओके बाय गाइस। देखिए तो एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए प्लीज आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट हमारे अच्छे अच्छे आने चाहिए, शेयर कीजिए। गाइस आप हमें कमेंट्स में बताना कि ये मेरी गट्टे की सब्जी कैसी बनी, और आप हमें Have a nice day.